फ्रेंड्स यहाँ की जो हम उतर रहे हैं नीचे वो काफ़ी डेंजर्स है, यहाँ पे हमें संभल संभल के चलना पड़ रहा है। देख सकते हो, जैसे आप देख सकते हो फ्रेंड, अपने देश की आन बान शान तिरंगा मैप हमें दिखा रहा है 21 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं अब। नमस्ते दोस्तों, आज हम आए हैं गेपरनाथ और ये कोटा से 21 किलोमीटर दूर है। तो मेरे पीछे देख सकते हो घाटी का अद्भुत नज़ारा, तो ये बहुत ही देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। तो ये देख सकते हो आप मेरे पीछे, और पीछे है चंबल नदी। तो यहाँ का आप लोग सीन देखे यार, कितना अच्छा है यहाँ पे। यानी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और गर्मी का मौसम है, तो हवा जैसे मुँह पे लगते ना, बहुत अच्छा लगता है यार। तो चलिए नीचे चलते हैं और नीचे का आपको हम दिखाएंगे एक एक लोकेशन, और हम पूरा जगह का कवर करेंगे अपने वीडियो के अंदर। तो बने रहिए मेरे साथ। चलते हैं गेपरनाथ के नीचे। फ्रेंड्स यहाँ की जो हम उतर रहे हैं नीचे वो काफ़ी डेंजर्स है, यहाँ पे हमें संभल संभल के चलना पड़ रहा है। देख सकते हो, जैसे आप ये देख सकते हो, ये जाने का रास्ता बहुत ही खतरनाक रास्ता है, और यहाँ पे हमें संभल संभल के कदम चलने पड़ रहे हैं। तो यार बहुत खतरनाक रास्ता है ये। फ्रेंड्स यहाँ का है जो रास्ता, देख सकते हो आप कितना खतरनाक है, और ये जो सीन देखिए मेरे पीछे बहुत ही अच्छा सीन है, और ये यहाँ की ढलान देखिए कितनी खतरनाक है। तो चलते हैं आगे। समय यहाँ पे थकान बिल्कुल भी नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे चढ़ाई नहीं है, यहाँ पे उतराई है। और यहाँ पे जैसे अपन कहीं जाते हैं तो वहाँ पे चढ़ना पड़ता है, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे उतरना पड़ता है फिर चढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। हम आ चुके हैं गेपरनाथ के नीचे, और यहाँ पे देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पर्व है, तो बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। भीड़ देख सकते हो आप कितनी हो रही है, बहुत ही ज्यादा हो रही है। आपका भाई इतनी मेहनत करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अच्छा लेके आएंगे, अच्छा करेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके बाय। महाशिवरात्रि की आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। ओके बाय।